भारतीय जनता पार्टी का बागी नहीं बन सकता, बल्कि आप अगर स्टॉप क्लॉक को उल्टा करके देखेंगे तो आपको लगेगा आपको ग्लास अगर आधा भरा दे तो आप आधा खाली भी देखिए। इसलिए यहाँ पर विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब यहाँ पर सिर्फ जनता को चैतन्यता करवाना चाह रहे हैं, जनता को बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार लोक लुभावनी योजनाएं आपके बीच में ला करके सरकार से आपको बार बार भ्रमित करते हुए आपका वोट लेती आ रही है, बाद में आपका नोट लेती रही आपकी जेब का नोटबंदी के बाद, और अगर इस बार आपसे चूक हो गई तो शरीर पर जो लंगोट है वो भी चली जाएगी। तारीख नहीं बताया, इस देश के अंदर जो नफरत की राजनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उससे जरा सावधान रहना। इन्होंने पूरे देश को मूर्ख बना के सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा किया, मंदिर का चंदा कहाँ चला गया इस बात का पता नहीं। इसलिए मैंने भाजपाइयों के लिए एक नारा बनाया है कि सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। राम को भी नहीं छोड़ा, राम को गली का पोस्टर बनाने का काम भाजपा के लोगों ने किया। यह तो कहना हमारे घर के आगे धारा 144 लगी है, भाजपाइयों तुमको हम वोट देने वाले नहीं। इस बार के चुनाव में इनसे हिसाब लेना है, इनसे हिसाब किताब बराबर करने का काम आपको करना है। घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं, अभी राफेल की चर्चा शत्रुघ्न सिन्हा जी करेंगे। आप सोचिए हिंदुस्तान की आजादी के बाद का ये भारत माता की जय लगाने वाले लोगों ने 36,000 करोड़ रुपए का राफेल लड़ाकू विमान के नाम पर घोटाला कर लिया।